लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से पारा शिक्षकों का लगातार आंदोलन जारी है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी, आपको बता दें कि अपने वेतन मान को लेकर ये पारा शिक्षक पिछले कई दिनों से बिरसा चौक के समक्ष बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और ये लगातार अभी इनका 26 तारीख तक आंदोलन जारी रहेगा। इनका मांग है कि सरकार जो हम लोगों के जो वादा किया है उसको पूरा करे, नहीं तो आगे 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हम लोग फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पारा शिक्षक अपने वेतन मान को बढ़ाने के लिए और नियमितीकरण को लेकर के भी लगातार बिरसा चौक पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लगातार 10 सालों से उनका आंदोलन चल रहा है, वहीं नियमित करने की मांग को लेकर के वे सरकार से लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और सरकार ने भी 2 से 3 महीने में यह नियमितीकरण को लेकर के भी इसके आदेश दिए हैं। आज विधानसभा हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप देखेंगे ऐसा कहीं नहीं हो पाया और हुआ भी है कहीं, हुआ अखबार में हुआ। मांगे कैसे लोगे? अरे आज मांगे कैसे? धनबाद के कार्मिक नगर में जमीन कारोबारी समीर मंडल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। संदेह के आधार पर पुलिस ने पंकज तिवारी, विकास सिंह, खेम नारायण सिंह, मुकेश कुमार, मुकेश सिंह के गिरफ्तारी की है और सराय ढीला थाना क्षेत्र में भी सभी के DSP लॉ एंड ऑर्डर पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद में संदेह के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। वहीं कार्मिक नगर में जमीन कारोबारी समीर मंडल के हत्याकांड में गुत्थी सुलझने का पर पुलिस लगातार जुटी हुई है। संदेह के आधार पर पुलिस ने पंकज तिवारी, विकास सिंह, खेम नारायण सिंह, मुकेश कुमार, मुकेश सिंह को गिरफ्तार किया है। सराय ढीला थाना में सभी ने DSP ने लॉ एंड ऑर्डर के आदेश के बाद पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जमीन कारोबारी समीर मंडल हत्याकांड में मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि संदेह के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। तो लगातार पुलिस इस हत्याकांड में प्रयासरत है और फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के पाराडी में बस ने साइकिल सवार वृद्ध को कुचल दिया जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना NH 99 मुख्य मार्ग की है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने चतरा रांची मुख्य मार्ग को घंटों जाम किया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने टीम को ग्रामीणों ने पत्थर से हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। मौके पर SP सौरभ कुमार के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। मुआवजा और पुलिस के आश्वासन के बाद जाम को हटा लिया गया। मोहल्ले के एक निवासी हैं जो कि साइकिल से वो आ रहे थे और रायपुर बस से घटना घटी है। भीड़ वगैरह होने की जो है काफ़ी पब्लिक ने कर रखा है, जाम कर रखा है और इस जाम में मैंने जो है कुछ पब्लिक के द्वारा पुलिस प्रशासन के ऊपर मैंने की जो है गाड़ी का भी तोड़फोड़ किया गया है। आज सुबह 7 बजे की घटना है। वासुदेव बस एक रायगढ़ से गया जाती है जो चापा दे के भाग गया। लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन वो गाड़ी भगा के शायद पुलिस लाइन में लगाया हुआ। इसका जो भी मुआवजा का प्रावधान है सरकार के तहत, हम चाहेंगे इस गरीब को सरकार का मुआवजा मिले। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चतरा से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से इस घटना में वृद्ध की मौत हुई है, NH 99 पर लोग आक्रोशित हो गए और वहां पे जाम किया रखा है, क्या कुछ लोगों की वहां मांग है और क्या फिलहाल जाम वहां से हटा लिया गया है? तनु, घटना जब घटी उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए थे और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया था। पुलिस की एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए चतरा SP अखिलेश वी वारियार के निर्देश पर जो प्रशिक्षु IPS अधिकारी हैं सौरभ कुमार और जो यहां के जो अंचल अधिकारी हैं यामुन रविदास, उनको घटनास्थल पर भेजा गया था और काफी भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी उनके साथ भेजा गया था। तो ग्रामीण इस बात पर मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे और वो जहां पर घटना घटी है वहां पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग कर रहे थे जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया और उचित मुआवजा
और ब्रेकर की आश्वासन बनाए जाने की आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।